रोकेंगे न थकेंगे, खबर टू खबर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे ANDC न्यूज पर। मैं भगवान सिंह राठौर, आप देख रहे हैं ANDC न्यूज। ANDC न्यूज के माध्यम से जैसा कि हम पहले भी आपको लेटेस्ट न्यूज दिखाते रहे हैं, आज भी देखते रहिए, बने रहिए हमारे ANDC न्यूज के साथ। जैसा कि संत रामपाली महाराज जी आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, जगह जगह पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड में संत रामपाली महाराज छाए हुए हैं। आखिर क्यों? क्योंकि संत रामपाली महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्र प्रमाणित है। दिखाते हैं संत रामपाली महाराज जी से संबंधित एक कवरेज, जिला आगरा उत्तर प्रदेश के तहसील हनुमानपुर प्रकाश नगर सरस्वती वाटिका में संत रामपाली महाराज जी का भव्य सत्संग समारोह चल रहा है, उसकी एक कवरेज। हमारी ANDC न्यूज इस समय सत्संग स्थल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो भी संत रामपाली महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए आते हैं। सबसे पहले श्रद्धालु उसे टोकन देते हैं, श्रद्धालु जूते जमा करते हैं और सत्संग में जाकर के सत्संग सुनते हैं। यहाँ ये लोग बैठे हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आते हुए श्रद्धालुओं की एंट्री करते हैं। आखिर ये किस पर्पज से एंट्री करते हैं, जानते हैं कुछ जानकारियाँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? पूनम दासी। आप कहाँ से आए हुए हो? हम आगरा से हैं। यहाँ जो आप एंट्री कर रहे हो, किससे संबंधित है? ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं सत्संग सुनने के लिए, उनके नंबर, फ़ोन नंबर लिए जाते हैं एंट्री में, नाम और नंबर लिए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उनके इस नंबर इसलिए लिए जाते हैं श्रद्धालुओं से कि जब उनका सत्संग कहीं और हो, किसी और स्थान पर जब सत्संग हो उनका, तो उन श्रद्धालुओं को हम फ़ोन करके सूचित कर सकें कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, कृपया आप आए सत्संग में और परमात्मा के मंगल प्रवचनों का लाभ उठाएं। जैसा कि हमारी ANDC न्यूज़ चैनल ने जानना चाहा कि आखिर ये किससे संबंधित एंट्री कर रहे हैं, तो उन्होंने जानकारी दी कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो स्वच्छ समाज विश्व कल्याण का है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसे सत्संग की सूचना दी जा सके, इससे संबंधित यहाँ एंट्री करते हैं। बने रहिए हमारे ANDC न्यूज पर, दिखाते रहेंगे लेटेस्ट खबर। कबीर जी का एक दोहा हमें याद आया जो पहले पढ़ा करते थे, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। संत रामपाल जी महाराज जी का आज ऐसा समाज जो सुधारक का कार्य कर रहे हैं, उस सुधारक के कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने व्यवस्था को इस तरीके से संभाल रखा है कि देखते ही बनती है। यहाँ देख सकते हो माता बहनें बैठी खड़ी हुई हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनने के लिए आता है, तो यहाँ ये लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दंडवत प्राम स्थल बना रखा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है अपने सदगुरुदेव जी को नमन करता है, उसके बाद सत्संग प्रांगण में जाकर के शांतिपूर्वक सत्संग सुनता है। आप देख सकते हैं यहाँ इनका दंडवत प्रणाम कितना सुंदर बना है। यहाँ देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने फ्लैक्स स्टॉल लगा रखी है। यहाँ नाना प्रकार की तस्वीरें हैं मड़ी हुई हैं, या फ्लैक्स भी हैं, कुछ मालाएं भी हैं। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनता है, सत्संग से प्रभावित होता है, वो यहाँ से फ्लैक्स एवं कुछ तस्वीरें प्राप्त कर सकता है। कुछ आवश्यक जानकारियाँ, गुरुदीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ऐसे नियम जो वास्तविक समाज सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। आप देख सकते हो ये 11 नियम से हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करना चाहता है वो सबसे पहले यहाँ से इन नियमों को फॉलो करता है। अगर वो नियमों को फॉलो करता है, नियमों के अंतर्गत ही रहता है, तभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के टेलीविजन के माध्यम से उसे गुरुदीक्षा दिलाई जाती है। यहाँ सेवादार आपको नज़र आ रहे होंगे जो यहाँ फॉर्म भरते हैं, उनकी एंट्री की जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, उनका पूरा पता एड्रेस लिया जाता है। आप देख सकते हो यह सत्संग चल रहा है, यह सत्संग चल रहा है दोनों तरफ, एक तरफ भाई बंधु बैठे हुए, एक तरफ माता बहनें बैठी हुई हैं। यहाँ बड़े बड़ी शांतिपूर्वक जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी को सुन रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से यहाँ संत रामपाल जी महाराज मंगल प्रवचन कर रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ी भीड़ आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी को सुन रही है। कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र अनुकूल है। संत रामपाल जी महाराज जो भी भक्ति देते हैं शास्त्र प्रमाणित देते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी को सुनने के लिए बड़े दूर दराज से लोग आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग को सुनते हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हुए हैं, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कि वहाँ यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था को समझा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद दास है जी। सर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, तो यहाँ किस प्रकार से व्यवस्थाएँ की गई हैं? देखिए तत्व जी, संत रामपाल जी का महाराज जी का सत्संग चल रहा है, तो यहाँ भक्त भाइयों और माता बहनों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ उनके पानी की व्यवस्था अलग है, जूता चप्पल की व्यवस्था अलग है, और सभी भक्तजनों को चाय बिस्कुट का नाश्ता भी दिया जाता है।
सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का नियोजन अच्छे रूप से अच्छे ढंग से व्यवस्था को संभाल रखा है, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का यह संदेश है कि मतलब सतभक्ति देना चाहते हैं, सभी को अपने सदग्रंथों से परिचित कराना चाहते हैं, और मनुष्य जन्म का मूल कर्तव्य तो मोक्ष की प्राप्ति होता है, तो इस और मोक्ष की प्राप्ति जब ही होती है जब हम अपने शास्त्रों के अनुकूल साधना करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सभी भक्तों को जब सत्संग सुनाते हैं तब शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाते हैं और उंगली लगा लगा कर बताते हैं, और आज तक किसी संत ने ऐसे कभी शास्त्रों को नहीं दिखाया है। जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी भी संत ने शास्त्रों को ऐसे खोल के नहीं दिखाया है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं इससे पहले कोई संत नहीं आया जिसने शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई हो? नहीं, आज तक हमने ऐसा किसी संत का सत्संग नहीं सुना, नहीं देखा कि उन्होंने हमें शास्त्रों को खोल खोल के दिखाया हो, बस उन्होंने शास्त्रों का नाम लेकर और अज्ञान को बताया है। जैसा कि दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी का नियोजन से जब जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो स्वच्छ समाज विश्व कल्याण का है, और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाण ले शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, शास्त्र अनुकूल ज्ञान बता रहे हैं। इन्होंने यहाँ तक बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी विश्व में ऐसा संत नहीं है जो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देता हो। दोस्तों, नए नए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे ANDC न्यूज़ पर। ANDC आपको ऐसे ही खबर कवरेज एवं खबर दिखाता रहेगा, क्योंकि सच सदा के लिए। दोस्तों, हम आपको पहले भी कवरेज दिखाते रहे हैं, खबर दिखाते रहे हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए एक सुंदर लेटेस्ट खबर लेकर के आएँ। नमस्कार साथियों।